बाकी आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब वो कहते हैं कि अमीर शख्स अपना घर तामीर करवा रहा था तो ठेकेदार ने उससे कहा कि 10 मजदूर चाहिए। वो 10 मजदूर ले आया। दोपहर हुई तो उसने कहा 10 मजदूर और चाहिए। वो 10 मजदूर और ले आया। इसी तरह शाम हुई तो उसने कहा 10 मजदूर और चाहिए। वो 10 मजदूर और ले आया। और कंस्ट्रक्शन होती रही। रात को जब सबको मजदूरी देने का वक्त आया तो अब वो 30 के 30 मजदूर उसके सामने मौजूद थे। उसने सुबह वाले 10 मजदूरों से पूछा कि आपकी मजदूरी कितनी बनती है। उन्होंने कहा 800 रुपए। उसने उन सबको 1,000 रुपया दे दिया। वो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा आदमी है कि हमारी मजदूरी से ज्यादा हमें दे दिए। अब उसने दोपहर वाले 10 लोगों से पूछा कि आपकी मजदूरी कितनी बनती है। उन्होंने कहा जी आए तो हम दोपहर को हैं लेकिन मजदूरी हमारी पूरी बनती है। खैर उसने उन सबको भी 1,000 रुपया दे दिया। जब उनको 1,000 रुपया दिया तो जो सुबह वाले 10 थे उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया कि हम सुबह से आए हैं ये दोपहर में आए और इनको भी 1,000 दे दिया। बहरहाल वो खामोश रहे। अब उसने शाम वाले 10 जो थे मजदूरों से पूछा कि आप लोगों की मजदूरी कितनी बनती है। उन्होंने कहा आए तो हम शाम को हैं लेकिन मजदूरी पूरी बननी चाहिए। खैर उसने उनको भी 1,000 रुपया दे दिया। जब उनको 1,000 दिया तो सुबह वाले 10 और दोपहर वाले 10 अब जो कुल मिलाकर 20 हो गए तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम सुबह से काम कर रहे हैं, दूसरे 10 कहते हैं हम दोपहर से काम कर रहे हैं, ये शाम को आए सिर्फ इन्होंने झाड़ू पोछा लगाया और इनको भी हमारे बराबर मजदूरी। तो उस मालिक ने उनसे पूछा कि क्या आपको आपकी मजदूरी नहीं मिली, क्या आपको आपकी मजदूरी कम मिली है। उन्होंने कहा नहीं, हमें मजदूरी भी पूरी मिली और हमारी मजदूरी से ज्यादा पैसे मिले, लेकिन मसला यह है कि इनको हमारे बराबर क्यों मिले। तो यही मसला हमारा है कि आज हम अपने दुख पे दुखी नहीं है बल्कि किसी दूसरे के सुख पे दुखी है। तो आज चूंकि एक करारदाद हमने खुद से करनी है तो मैं चाहूंगा कि हम यही करारदाद खुद से करें कि हम किसी दूसरे के सुख पर दुखी ना हो बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी औकात से भर के जो हमें अदा किया है हम उसको उसका शुक्र गुजार हो और दूसरों की खुशी में शरीक हो। तो अगर ये करारदाद हम खुद से कर लेते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि जब जेलसी का एलिमेंट नहीं होगा तो हम सारे मिलकर काम करेंगे और ये वतन अजीज तरक्की करेंगे।